स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए, ठीक है, आपको कुछ वहां से खरीदना है। आपने मान लीजिए 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी। उसके बाद अब आपको याद आया कि आपको तो आपकी मम्मी को 120 रुपीज नोट आनी है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कोशिश करोगे कि 100 रुपीज की चीज को मैं और ज्यादा मैं बेचूं, ठीक है, जिससे मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाए। मान लीजिए आपने 100 रुपीज की चीज को 130 में सेल कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पर 100 में आपने खरीदी थी, 130 में आपने सेल कर दिया, मतलब आपको क्या हो गया, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर यही चीज आप 100 में खरीद के 130 की जगह अगर मान लीजिए आप 80 रुपीज में सेल कर देते तो क्या होता, तो आपको लॉस हो जाता 20 रुपीज का, ठीक है, समझ में आया इतना। और ये 100, 80 और 130 क्या है, 100 में आपने खरीदा था मतलब ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। जो चीज हम खरीदते हैं वो चीज हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, सीपी। और जितने में आपने बेचा होगा 130 या 80 जितने में भी आपने सेल किया होगा वो कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एसपी, ठीक है। और बेचने के बाद जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ, अगर ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो या तो प्रॉफिट बोला जाएगा या फिर गेन, ठीक है, और कम में बेचा है तो आपको लॉस होगा तो उसको हम लॉस ही बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले भी दो कंडीशन पे होते हैं। पहला होता है अगर एसपी हमारा सीपी से ज्यादा है, मतलब हमने चीज ज्यादा में बेची है, एसपी ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमको प्रॉफिट ही होगा हमेशा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमें 30 तभी तो पता चला था, जब हम 130 में से हम 100 को माइनस करेंगे तभी तो पता चला कितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। इसके बाद इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बन जाते हैं एसपी, एसपी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, प्रॉफिट प्लस सीपी, और सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये जब है हमारे जब एसपी सीपी से ज्यादा है। इसके बाद सेकंड कंडीशन बनती है जब सीपी एसपी से ज्यादा होगा, यहाँ एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, जब सीपी ज्यादा है एसपी तो क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है, सीपी ज्यादा है तो लॉस ही होगा। जैसे ये 100 था, 100 की चीज हमने 80 में सेल की थी तो 80 का पास 100 ज्यादा था, सीपी ज्यादा था इसलिए लॉस हुआ। इसके लिए फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और सीपी को कैसे निकाल सकते हैं, एसपी प्लस लॉस, और एसपी को सीपी माइनस लॉस, ठीक है, लॉस दिया हो तो ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे। इतना समझ में आया, आप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, ये आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितने का हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, यहाँ सीपी है 26, एसपी है 28, और यहाँ हमें अपने आप ही देखना पड़ेगा क्या ज्यादा है। अब पिछ रहा है साथ साथ 26 से 28 ज्यादा है, ग्रेटर है, इसलिए क्या हुआ होगा, उसको फायदा ही हुआ होगा, 26 की चीज खरीद के 28 में सेल करिए तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी, तो 28 माइनस 26 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹2 प्रॉफिट, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन, इसमें सीपी दिया हुआ है 426.25 और एसपी दिया हुआ है 412.50। इसमें क्या है, सीपी है या एसपी है, तो एसपी दिख रहा है हमें सीपी से कम है, साफ दिखाई दे रहा है, 426 है, ये 412 है तो ऑब्वियसली यही कम है, एसपी कम है सीपी से कम, तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस का क्या फॉर्मूला था, सीपी माइनस एसपी, तो 426.25 में से 412.50 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.75 लॉस, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, शेखर बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹45,000 एंड स्पेंट ₹625 ऑन इट्स रिपेयर, he sold it for 49,995, find his gain or loss। शेखर है, उसने क्या किया है, एक पुराना स्कूटर खरीदा है, पुरानी कार खरीदी है 45,000 रुपीज, ठीक है, इसलिए मैं उसने कार खरीदी है, उसके बाद उसको रिपेयर कराने में मतलब उसको ठीक कराने में उसने 625 रुपीज
बाद उसने 49,995 की वो बेच दी। तो हमें उसे अब हमें ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सीपी। सीपी ऑफ कार कितना दिया हुआ है, 45,000। उसके बाद क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब खरीदने के बाद उसने कितना खर्चा किया है, तो 625 रुपीज उसने खर्च किए। तो अब उसने जो 45,000 की चीज खरीदी थी, अब उसको कितने की पड़ी है, 45,625 की पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने 625 के अपने ही पैसे लगाए हैं। ठीक है, उसे इतने की मिली है वो चीज। अब उसने बेच कितने में दी, एसपी कितना दिया हुआ है, 49,995 उसको एसपी दिया हुआ है। तो प्रॉफिट उसका कॉस्ट प्राइस उसका टोटल ये निकल के आया है और सेलिंग प्राइस ये है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस पे, इसका मतलब उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000।